हेलो मॉमीज़ एंड बेबीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना डायरीज़। सो मॉमीज़, कैसी हैं आप और कैसे हैं आपके बच्चे? मॉमीज़, विंटर सीज़न ऑलमोस्ट आ चुका है और विंटर सीज़न में हम सारी मॉमीज़ जानते हैं कि बच्चों का ख्याल हमें ज़्यादा रखना पड़ता है, ना सिर्फ उनकी क्लोथ्स पे, उनकी स्किन केयर या फिर उनका डेली का रूटीन, बट सबसे ज़्यादा उनकी डाइट पे। क्योंकि अगर डाइट सही रहती है, वो एक हेल्दी फूड या फ्रूट लेते हैं, तो उनसे उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा बना रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, और जिससे उन्हें आने वाली कोई भी सीजनल अगर कोई भी कोल्ड कफ है या फिर कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है या कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, तो वो इन चीज़ों से बचे रहते हैं। तो मॉमीज़, अगर बच्चे का इम्यून सिस्टम ही स्ट्रॉन्ग रहे, उसकी बॉडी अंदर से स्ट्रॉन्ग रहे, तो आपका काम बहुत आधा हो जाता है। बॉडी खुद फाइट करती है या पहले से तैयार रहती है इन सब प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए, इनसे निपटने के लिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि वो कौन से फूड हैं या फ्रूट्स हैं जिससे अगर हम बच्चे को खिलाते हैं, स्पेशली इस विंटर सीजन में, तो बच्चे का इम्यून सिस्टम हमेशा स्ट्रांग बना रहेगा और वो इन सारी डिजीज़ से या इन सारे इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्राई फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट पाउडर। अगर बच्चा एक साल से छोटा है तो आप उसे पाउडर फॉर्म में दीजिए, उसके किसी भी प्यूरी या खाने में ऐड कर दीजिए, और अगर बड़ा है तो वो इसे डायरेक्टली च्यू कर सकता है। बट ध्यान रखिएगा कि पीसेस छोटे हों, जो बच्चे को अटके ना गले में। ड्राई फ्रूट पाउडर बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल फूड है। इसमें बहुत सारे से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। सो मॉमीज, ये एक मस्ट फूड है जो बच्चे को विंटर में देना है। नेक्स्ट है हमारा गार्लिक, जिंजर और टर्मरिक पाउडर, यानी कि लहसुन, अदरक और हल्दी पाउडर। इन तीनों चीज़ों को हमें बच्चों की डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और नेचुरल चीज़ होती है। इसे हम बच्चे को उनकी डेली जो डाइट वो लेते हैं, लाइक दाल हो गई, सब्ज़ी हो गई, उस पर डाल के हम बच्चे को खिला सकते हैं। और टर्मरिक पाउडर को आप बच्चे के दूध में ऐड करके उसे रात को या किसी भी टाइम आप एक बार उसे दे सकते हैं पीने के लिए। सो मॉमीज, जो नेक्स्ट फ्रूट्स हैं जो हमें विंटर्स में बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए, वो है पपाया, साइट्रस फ्रूट्स एंड बेरीज। पपाया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो रिच होता है पोटेशियम और फोलेट में। साइट्रस फ्रूट्स तो विटामिन सी से भरपूर मात्रा उसमें पाया जाता है, जो हेल्प करता है स्पेशली कोल्ड और कफ में। और जो हमारे नेक्स्ट हैं वो हैं बेरीज़। बेरीज़ में आपका स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी या ब्लैक बेरीज़ आ जाता है। बेरीज़ में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बच्चे को इसे खिलाने के बाद अगर कोई एलर्जी आपको दिख रही है, कोई रैशेज, वॉमिटिंग या कुछ भी, तो आप उसे मत खिलाइए, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। एक साल से छोटे बच्चे को आप पपाया प्यूरी के फॉर्म में दीजिए और बड़े बच्चों को छोटे छोटे पीसेस में काट के दे दीजिए। साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उन्हें आप जूसेस के फॉर्म में दीजिए बिकॉज उनमें थोड़ा रफेज होता है, तो अगर आप उन्हें डायरेक्टली देंगे तो वो थोड़ा सा च्यू करने में प्रॉब्लम कर सकते हैं। और जो हमारे बेरीज़ हैं उनके आप शेक्स बना दीजिए या स्मूथीज़ बना के बच्चों को दे दीजिए। नेक्स्ट, हम विंटर्स में बच्चों को कैरेट्स यानी कि गाजर खिला सकते हैं, जो सर्दियों में बहुत ही अच्छे आते हैं। गाजर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि उसमें बहुत सारा बीटा कैरोटीन होता है जो बॉडी में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। कैरेट्स आपकी बॉडी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसकी लाइनिंग्स को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का अटैक बहुत ही मुश्किल से बैक्टीरिया अटैक करता है हमारी बॉडी में। इसलिए कैरेट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसे आप छोटे बच्चों को प्यूरी के फॉर्म में खिला सकते हैं जो एक साल से छोटे हैं, बड़े बच्चों को स्लाइसेस फॉर्म में, सैलड्स में भी दे सकते हैं, उसका हलवा बना के भी दे सकते हैं, उसे ग्रेट करके भी दे सकते हैं। सो मॉमीज, कैरेट मस्ट है। नेक्स्ट है ब्रोकली, जो भी सीजनल है, और ये भी पैक्ड होता है विटामिन सी और के से। बट इसे हमें एक साल से छोटे बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि ये गैस फॉर्म करता है, इसलिए हमें एक साल से ऊपर के बच्चों को देना है। इसे भी आप सूप में डाल के दे सकते हो या सैंडविच में रख के दे सकते हो, क्योंकि ऐसे बच्चे खाते इसे बहुत अच्छे से नहीं है।
इसके अलावा आप बच्चों को वेजिटेबल सूप दे सकते हो, जिसमें आप सीजनल कोई भी वेजिटेबल्स को डाल सकते हो और ये अपने आप में एक पूरा मील भी होता है, तो वेजिटेबल सूप भी देना अच्छा है। नेक्स्ट है एग। विंटर्स में हम बच्चों को एग डेली भी खिला सकते हैं या अल्टरनेट डेज हमें ज़रूर खिलाना चाहिए एग। एग में हमें विटामिन डी नेचुरली मिलता है और एग को आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लाइक ऑमलेट, स्क्रम्बल्ड एग, बॉइल्ड एग या किसी अदर फॉर्म में आप बच्चे को एग भुर्जी के फॉर्म में भी बच्चों को खिला सकती हैं। इसके अलावा है हमारा चिकन। चिकन को आप रोस्टेड फॉर्म में खिलाइए, छोटे छोटे स्लाइसेस में, करीज के फॉर्म में खिलाइए और बहुत ही प्रोटीन रिच ये एक मील है। इसके साथ आप बच्चों को चिकन सूप भी दे सकते हो जो बहुत ही हेल्दी होता है, जिसमें बच्चे को कम्प्लीटली बिना किसी च्यूइंग के या बिना किसी अटकने के, किसी भी डर के बगैर आप बच्चों को, छोटे बच्चों को भी और 1 साल से ऊपर के बच्चों को भी ये सूप पिला सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एग में आपको ध्यान रखना है कि ये 1 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि इससे कुछ एलर्जीज हो सकती हैं छोटे बच्चों को, तो 1 साल से ऊपर के बच्चों को ही दीजिए। अगर कोई एलर्जी होती है तो एग मत दीजिए। सो मॉमीज, एग, चिकन और चिकन सूप मस्ट है विंटर्स में बच्चों को देने के लिए। नेक्स्ट है दही, यानी कि योगर्ट। योगर्ट इज रिच इन प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स यानी कि गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया हमारे गट के फ्लोरा फौना को बहुत ही अच्छा रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, और अगर हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया ज़्यादा है, अच्छी कंडीशन में है, तो हमारा इम्यून सिस्टम वैसे ही अच्छा बना रहता है। सो मॉमीज, बच्चों को दही ज़रूर दीजिए, स्पेशली लंच में दीजिए। विंटर्स में दही नहीं देते हैं या कम देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। दही को आप रूम टेम्परेचर पे लाके बच्चे को डेली उसके लंच में ज़रूर खिलाइए। इसके अलावा दाल है, जो हर तरह की दाल, कोई भी दाल आप बच्चों को खिला सकती हैं। सूप, पतला पतला सूप के फॉर्म में खिला सकती हैं या नॉर्मल दाल चावल के फॉर्म में भी बच्चों को खिला सकती हैं। नेक्स्ट हमें कुछ और बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि बच्चे को स्ट्रेस फ्री रखना है, घर में एक काम एनवायरनमेंट बना के रखना है, बच्चे को टाइम टू टाइम उसके साथ बैठ के बात करनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए और समझना चाहिए और बच्चे को टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट है मॉमीज, वो है बच्चे का एडिक्वेट स्लीप, यानी कि बच्चे को प्रॉपर स्लीप देना, क्योंकि अगर जब बच्चा सो रहा होता है तब उसकी बॉडी सबसे ज़्यादा रिपेयर वर्क करती है और रिप्लेनिश होती है। तो बच्चा चाहे छोटा है या बड़ा है, बच्चे को एक प्रॉपर स्लीप देना बहुत ज़रूरी है, और इससे भी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रेस फ्री रहने से भी, एक अच्छी नींद लेने से भी। और जो नेक्स्ट चीज़ है, हाई शुगरी फूड्स खिलाना, यानी कि बच्चों को कुकीज़, केक्स, पेस्ट्रीज या कैंडीज़ वगैरह, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रखना चाहिए, क्योंकि हाई शुगर भी कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। सो मॉमीज़, अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।